मैं हमेशा अपने घर पे ये होममेड सांबार मसाला बना के रखता हूँ और इसे बनाना बहुत आसान है। एक पैन के अंदर 10 टेबलस्पून साबुत धनिया, 5 टीस्पून जीरा, 5 टीस्पून राई और 5 टीस्पून काली मिर्च डालकर अच्छे से लो फ्लेम पर भून लीजिए। अब गैस बंद करके इसमें 3 टीस्पून मेथी के दाने, 5 स्प्रिग्स करी लीव्स ऐड कर दीजिए और 2-3 मिनट के लिए मिक्स कर लीजिए। सारे मसालों को एक बोल में ट्रांसफर करके कम्प्लीटली ठंडा कर लीजिए। सेम पैन के अंदर 150 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च को डालकर अच्छे से भून लीजिए एकदम लो फ्लेम पर। मिर्चियों को भी बोल में ऐड कर दीजिए। अब सेम पैन में 5 टेबलस्पून चना दाल और 5 टेबलस्पून उड़द दाल को भी लो फ्लेम पर अच्छे से भून लीजिए। अब इन दालों को भी बोल के अंदर ट्रांसफर करके अच्छे से ठंडा कर लीजिए। सबसे पहले मिर्चियों को भी एक फाइन पाउडर में ग्राइंडर में अच्छे से पीस लीजिए। अब इसी ग्राइंडर में बाकी के मसाले और दालें भी डाल दीजिए। साथ ही में 5 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून नमक डालकर ये सारी चीज़ों का एक फाइन पाउडर बना लीजिए। होममेड सांबार मसाला रेडी हो गया है।